गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। 100 करोड़ रुपए से सूबे के शासकीय संस्थानों और 2 तकनीकी विश्वविद्यालयों में बढ़ेगा डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। 195 करोड़ रुपए से बदलेगी प्रदेश के 1 दर्जन तकनीकी संस्थानों की सूरत। दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के जरिए बढ़ेगा तकनीकी संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर। शासन के निर्देश पर ध्वस्त होंगे जिले के सभी सरकारी जर्जर भवन। आदेश आते ही ध्वस्त होगा कलेक्ट्रेट का भवन। कलेक्ट्रेट कार्यालय का नया पता होगा रेलवे स्टेशन स्थित पर्यटन विभाग का कार्यालय। शाहपुर थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस में पहुंचे डीआईजी व मंडलायुक्त ने सुनी फरियादियों की फरियाद। थाने का किया निरीक्षण। थाना दिवस में आए मामलों का 2 दिन के भीतर निस्तारण करने के दिए निर्देश। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक। सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। कहा पार्किंग की रहेगी उचित व्यवस्था। संपूर्ण थाना दिवस समाधान पर एसएसपी ने सुनी चोरी चौरा थाने पर जनता की फरियाद। थाने का निरीक्षण कर व्यवस्था का लिया जायजा। कहा फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के साथ व्यवस्था में लाए सुधार। प्लाज्मा दान कर कोरोना मरीजों को नई जिंदगी देने के उद्देश्य से सीतापुराई हॉस्पिटल के सभागार में आयोजित हुआ प्लाज्मा दान शिविर। जिलाधिकारी सहित दर्जनों लोगों ने दिया ब्लड सैंपल। डीएम ने कहा प्लाज्मा चढ़ाने से जल्दी ठीक होते हैं कोरोना के मरीज, करें प्लाज्मा दान। गोरखपुर में शनिवार को मिले 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,228। अब तक 349 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 279 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। कैंट तथा रामगढ़ताल थाने पर आयोजित हुआ संपूर्ण थाना समाधान दिवस। सीओ कैंट ने कहा जमीन से संबंधित आए कुछ मामले पुलिस और राजस्व टीम को भेजकर निस्तारण के दिए गए निर्देश। और दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अवैधनाथ सभागार में आयोजित हुआ आचार्य भगवती प्रसाद सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी। प्रोफेसर केसी लाल द्वारा आचार्य भगवती प्रसाद के जीवन पर लिखित पुस्तक का किया गया लोकार्पण।